दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में इन चीजों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन इस बुरे समय से वो ही व्यक्ति ऊपर आ पाता है जो लोग बुरे समय में भी इन चीजों का साथ नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी है वो चीजें जिनका साथ आपको बुरे समय में भी नहीं छोड़ना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी एक वरिष्ठ विद्वान थे, योग शिक्षक थे। आचार्य चाणक्य प्रसिद्ध तक्षशिला में आचार्य थे। उन्होंने समाज और मनुष्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था और उनका मानना था कि व्यक्ति की पहचान संकट यानी कि बुरे वक्त आने पर ही होती है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार बुरा वक्त हर किसी के जीवन में जरूर आता है, लेकिन इस बुरे वक्त में जो धैर्य और संयम को नहीं त्यागता वो ही बुरे वक्त से बाहर निकल पाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहीं और चीजों के बारे में बताया है जिसे मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए, खास तौर पर बुरे समय में, विपत्ति और संकट के समय में यही चीजें व्यक्ति को जीने की राह दिखाती हैं। इन चीजों के सहारे ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, परिश्रम करता है और बुरे वक्त से निकलकर सफलता की राह पर चलता है और उसे सफलता मिलती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार आपको कभी भी अपने जीवन में धैर्य को नहीं खोना चाहिए। कभी भी मनुष्य के जीवन में बुरा समय आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। बुरा वक्त भी मनुष्य के जीवन में उसी तरह होता है जैसे दिन के बाद रात होना और रात गुजरने के बाद फिर सवेरा आना। मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख के पल ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जब सुख स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं होता, इसलिए मनुष्य को बुरे वक्त के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त को धैर्य के साथ गुजारना चाहिए। जो लोग धैर्य को त्याग देते हैं उनका जीवन संकटों से भर जाता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन में संयम के साथ काम लेना चाहिए। दोस्तों, खराब समय कभी भी आए तो गंभीर हो जाना चाहिए और बड़े संयम के साथ काम लेना चाहिए। बुरे वक्त में एक गलत फैसला मुसीबत को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए और अच्छे समय का इंतजार करते रहना चाहिए। एक नई मुसीबत को जन्म दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि परिश्रम करते रहना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कितना भी खराब समय आ जाए उसे बैठे नहीं रहना चाहिए, उसे लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को इस संकट से निकालने में मददगार साबित होता है। हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे जाने से बुरा वक्त नहीं दूर होता। दोस्तों, इसका इलाज है परिश्रम करना। अगर आपके जीवन में बुरा वक्त आता है तो आप परिश्रम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के अनमोल विचार और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा बुरे वक्त में ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का कभी भी अपने जीवन में त्याग नहीं करना चाहिए। इन चीजों को आप त्याग दोगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जरूर काम आएगी आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।